अगर दर्द भुलाना ना हो तो उसे आराम मत दो, उस दर्द से भी ज्यादा दर्द दो। डर 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 उसे कह दो इस पिंजरे में, अब ये दीवारें ही मेरे दोस्त बन गए हैं। जब उसकी इच्छा मैं पूरी करता हूँ, उसके चेहरे पे जो मुस्कुराहट देखने को मिलती है ना यार, तुम जैसे कायरों को आजादी मिले या ना मिले क्या फर्क पड़ता है, गुलामी तो तुम्हारी रग रग में बसी है। ये डर हमेशा याद रखना, यही तुम लोगों को जिंदा रखेगा। अब ये जवान हो गई है, जस्टिन इसे नहीं छोड़ेगा। I'll take my revenge. खुद की बेटियों को जिंदा दफना के उस दुख में तिल तिल जीने से अच्छा सिर्फ एक बार उनसे लड़के मार के मर जाओ। ब्रिटिश झंडे को लास्ट सल्यूट। हमें आजादी मिलने वाली है। आज के बाद कोई हमें आजादी दिलाएगा इसका इंतजार अब हम नहीं करेंगे। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। पर मेरे दिल में ऐसा कुछ भी नहीं है। हाथ लगाने की हिम्मत कैसे की? It's an emergency. जब तक मैं ऑर्डर न दू आजादी की खबर इन लोगों तक पहुंचनी नहीं चाहिए। इतिहास बना रहे साउथ सिनेमा, ऑस्कर पक्का। फिल्म अगस्त 1947 में गौतम कार्तिक और पुगाजा इस फिल्म में रेवती डेब्यू कर रही है। फिल्म में मुख्य किरदार निभाया है। फिल्म अगस्त 1947 में शानदार सेट से लेकर धमाकेदार एक्शन रोमांच म्यूजिक होगा, जिसकी झलक हमें फिल्म के ट्रेलर में भी दिख गई है। रिलीज के 17 घंटे के अंदर ही 16 अगस्त 1947 के ट्रेलर को यूट्यूब पर 1.2 मिलियन व्यूज मिल चुका है, यानी 12 लाख से भी ज्यादा इस मूवी को व्यूज मिल चुका है। मूवी का ट्रेलर देखने के बाद फैंस का ताबड़तोड़ कमेंट आ रहा है। एक फैन ने लिखा है कि साउथ सिनेमा वाकई इतिहास बनाने वाला है। एक और फैन ने लिखा है कि ये ब्लॉकबस्टर मूवी होगी। कुछ का कहना है कि अब इंडिया का अगला ऑस्कर पक्का मिलेगा। वहीं फैंस गौतम कार्तिक का भी तारीफ कर बहुत ज्यादा ही कर रहे हैं। अपने इस फिल्म के बारे में AR मुरुदास ने कहा कि 16 अगस्त 1947 भारत के स्वतंत्रता संग्राम की एक खोई हुई कहानी। हमारे प्रतिभाशाली निर्देशक NS पोन कुमार से लेकर गौतम रेवती और पुकाजा जैसे कलाकार के साथ हमने इस फिल्म का भव्य बनाने के लिए बेहतरीन प्रतिभाओं को इकट्ठा किया है। भारत के दर्शकों को अपने नजदीकी सिनेमा घरों में इस भव्य गाथा को देखकर अपने देश पर गर्व होगा।